अब मान लीजिए कि उसी पार्टी से सेम डे हमें हाफ पेमेंट रिसीव होगी सेल्स के केस में, यानी रिसिप्ट और पेमेंट की एंट्रीज हम करने वाले हैं इस लेजर्स में, मतलब इस लेक्चर्स में। रिसिप्ट हमने सेल्स करी थी 1 लाख की, तो रिसिप्ट हुई समझ लो 50,000, ठीक है। अकाउंट स्पेस बार दबाया, SBI में हमने ये पैसे जमा करवा दिए, ठीक है। स्पेस बार दबा रहे हैं, किससे पैसे रिसीव हुए, हमने सेल किसको करी थी, इंफोटेक मीडिया को हमने सेल करी थी। कितने पैसे रिसीव हुए, 1,10,300 रिसीव करने थे, हमें एक्चुअल में समझ लो रिसीव हुए हैं 1,60,000 या 55,150 रुपीज उन्होंने हमें रिटर्न कर दिए, ठीक है। एंटर, अगेंस्ट रेफरेंस, बिल नंबर ये था, सर्विस टैक्स इतना, आउटपुट सर्विस टैक्स का अकाउंट 55,150, यानी हाफ अमाउंट उन्होंने हमें पे कर दी। कुछ और अगर हमने डिटेल्स यहां से लेनी है तो ले सकते हैं, अदरवाइज मतलब कुछ और अकाउंट वगैरह की डिटेल लेनी है तो हम यहाँ पे कोई और अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज एंटर करके आगे जाते हैं। नेम ऑफ रिसीव, चेक नंबर जिससे हमें रिसीव हुई ये था, एक्सेप्ट। रिसिप्ट की प्रिंटिंग करना चाहते हैं, नो। अब हम करेंगे पेमेंट की एंट्री। मान लीजिए सेम डे जिस दिन हमने सर्विसेज परचेज करी थी उस दिन पार्टी को पेमेंट कर दी बैंक से, SBI करंट अकाउंट से, कितने की और किसको करी है, जिससे हमने परचेज करी थी, यानी IT टेक्नो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से हमने परचेज करी थी। एंटर, इसका बैलेंस था 70,000 का, तो इसका हाफ अमाउंट समझ लीजिए हमने पे कर दिया, अराउंड हाफ अमाउंट समझ लीजिए हमने 34,000 पे कर दिया। एंटर, अगेंस्ट रेफरेंस इसके 34,000, इनपुट सर्विस टैक्स, सर्विस लेजर उसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया क्योंकि हमने बिल नंबर 20 लिया है, सिलेक्ट किया है। एंटर एंटर, और कोई डिटेल्स नहीं ले सकते हैं, चेक नंबर हमने दिया ये, एक्सेप्ट। पेमेंट वाउचर की प्रिंटिंग करना चाहते हैं, नो। ये अब हमने रिसिप्ट और पेमेंट की एंट्रीज कर दी है, ठीक है, यानी हमने परचेज और सेल्स भी हो गई और हमने हाफ ऑफ पेमेंट पेमेंट्स भी कर दी, मतलब हाफ पेमेंट भी कर दी और हाफ रिसिप्ट्स भी हो गई, अमाउंट की रिसिप्ट भी हो गई है बिल के अकॉर्डिंग जो हमने सर्विस टैक्स इनवॉइस काटा था सेल्स के केस में, ठीक है, और जो हमें मिला था परचेज के केस में उसके अगेंस्ट भी हमने पेमेंट कर दी हाफ की, ठीक है। तो इस टॉपिक को तो हम यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू वेरी मच।